होली के मौके पर लव रंजन की नई फिल्म तू झूठी मैं मक्का रिलीज हुई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने। दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों पर कितना रंग जमाया है, चलिए दर्शकों से ही जानते हैं। मूवी फुल ऑफ एंटरटेनिंग है क्योंकि उसमें रणबीर कपूर है तो एंटरटेनमेंट तो बनता ही है, और उन्होंने ऑडियंस की उम्मीद को हर बार पूरा किया है। एक्सपेक्टेशन फुल ऑफ है, मूवी बहुत अच्छी है। और जो सबसे अच्छा है इस मूवी का वो है उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो आज की जनरेशन को कनेक्ट करता है, ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ बहुत अच्छा सिर्फ एक चीज़ लगा है इसमें कि जो एक केमिस्ट्री जो चल रही होती है उस टाइम पे, गर्ल्स जो है उसको वॉकआउट करता है, लड़का करता है वॉकआउट बिकॉज रीजन ऑफ फैमिली, और उसने एक ही चीज़ कहा कि मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये एक लेवल पे था, मतलब चीज़ें जो दिखाई गई है, बस ये चीज़ बेस्ट ऑफ द पार्ट है इस मूवी का, वो भी लास्ट में एंडिंग ऑफ द पॉइंट। जेन जी को नहीं पता, मिलेनियल्स बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे इस फिल्म से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जो मतलब ये मिलेनियल्स के लिए 27-30 उनकी एज होती है, विच इज़ आर एज ग्रुप, तो हमारा एज ग्रुप तो बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। ये तो मेरे लिए बिग सरप्राइज था, क्योंकि किसी को पता नहीं आई थिंक सो कि कार्तिक आर्यन और नुसरत का कैमियो है इसमें, और जब आया सेकेंड हाफ के बाद दोनों का कैमियो देख के अरे ऐसा चुम्मा दिया, मतलब ऐसा खड़े होकर ताली मारा मैंने। इनफैक्ट क्योंकि लव राजन के मूवी में ना कार्तिक आर्यन द मिसिंग पार्ट, और मैं बहुत टाइम से मतलब सोच ही रहा था कि कार्तिक आर्यन का रहेगा आई थिंक सो कैमियो, और निकला, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो लव राजन ने छोटा सा कैमियो दिया उसको। मैं लव रंजन जो है प्यार की सोनू की टीटू की स्वीती और प्यार का पंचनामा सीरीज जिन्होंने बनाई है, तो उनके डायलॉग्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, और लव स्टोरी है, रोम कॉम बनाते हैं वो, सो बहुत अच्छा रोम कॉम बनाया, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, और बहुत अच्छा बैलेंस है दोनों का। मुझे थोड़ी सी लगा कि अभी कली और चेतन सोलंकी जो इसके एडिटर थे, थोड़ी 15-20 मिनट से एडिट हो सकती थी, बट नेवरदलेस डायरेक्शन अच्छा, म्यूजिक बहुत अच्छा प्रीतम का, बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनी का बहुत अच्छा है, और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है संतना रामचंद्रन की, डायरेक्शन बढ़िया है, सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ डिसेंट वॉच आई फील। श्रद्धा कपूर बीइंग अ स्टार, वैसे उन्होंने जो एक कैरेक्टर का मतलब निभाया है एज इंडिपेंडेंट गर्ल, अपनी स्पेस चाहना, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखना, वो एक लड़की आज की डेट में मैं भी अगर होती तो मुझे काफ़ी रिलेटेड लगा। चॉकलेटी बॉय वो इस कैरेक्टर के लिए बने हैं, उनको बहुत अच्छा वो सूट हुआ है कैरेक्टर उनका, तो एज अ चॉकलेटी बॉय उनका इमेज जो है उन्होंने वो कैरी फॉरवर्ड किया है, और ये आपको इस मूवी में देखने मिलेगा, एंड दो कैमियोज भी मिलेंगे देखने के लिए। कैमियो हाँ, कार्तिक आर्यन का कैमियो था सेकेंड हाफ में, बहुत अच्छा था, नुसरत भी है इसमें, तो वो एक आपको पीछे वापस से स्वीटी और आपको प्यार का पंचनामा की याद दिलाएगा।